एक सेकेंड दोस्तों, प्लीज पहले सब्सक्राइब करो, फिर नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल को भी ऑन करो। अब चलते हैं रेसिपी देखने। चलो बंगालियों की इस फेवरेट रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तनुज 54। आज मैं बनाने वाली हूँ बंगाली कुजीन की एक बहुत ही फेमस और फेवरेट रेसिपी, आलू पोस्तो की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट भी बहुत ही जबरदस्त आता है। इसे आप रोटी, पराठा, राइस किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो आप इस ऑथेंटिक बंगाली आलू पोस्तो की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए आज की टेस्टी रेसिपी को शुरू करते हैं। आलू पोस्तो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बाउल। बाउल में मैं डाल दूंगी 3 बड़े चम्मच खसखस, जिसे हम इंग्लिश में पॉपी सीड्स कहते हैं और बंगाली में हम इसे पोस्तो कहते हैं। पोस्तो का हमें पेस्ट बनाना है, तो इसलिए हम इसे कुनकुने गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगोकर रखेंगे, ताकि पोस्तो सॉफ्ट हो जाए और हम इसे इजीली ब्लेंड कर सकें। तो बस अब हम इसमें डाल देंगे कुनकुना गरम पानी। इसे एक बार ऐसे मिला दें और अब हम इसे ढककर साइड में रख देंगे आधे घंटे के लिए, और फिर हम इसका पेस्ट बनाएंगे। आधे घंटे हो चुके हैं, पोस्तो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। तो इसे ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफर करें। कई लोग पोस्तो को बिना भिगोए डायरेक्टली ही पीस लेते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पोस्तो को आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो कर रखें। इससे पोस्तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और इसे पीसने में बहुत ही आसानी होती है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 हरी मिर्च, तीखा आप अपने हिसाब से डालें। साथ में मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक और बस अब हम इसे बिल्कुल स्मूथ पेस्ट की तरह पीस लेंगे। बीच में आप इसे एक बार खोलकर चेक कर लें, अगर जरूरत हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसे पीस लिया है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पर एक पैन गरम किया है, इसमें हम डाल देंगे 3-4 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। ऑयल गरम होते ही हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच काला जीरा, यानी कि कलौंजी। साथ में मैं इसमें डालूंगी 1 सूखा खड़ा लाल मिर्च। इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई होने देंगे, ताकि इसका फ्लेवर ऑयल में आ जाए। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज। आधा प्याज ही डालें, ज्यादा प्याज इसमें ना डालें। प्याज को हम 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका कच्चा फ्लेवर चला जाए। अब मैं इसमें डालूंगी 4 मीडियम साइज के कटे हुए आलू। तो आप देख सकते हैं, आलू को मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। तो आलू को डाल दें। आलू को हम 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, यानी कि जब तक कि आलू का कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए। बीच बीच में इसे चलाते रहें। तो आप देख सकते हैं कि आलू का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर और बस। मसालों में हमें और कुछ भी नहीं डालना। मसालों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करें और इसे 1 मिनट के लिए और फ्राई कर लें। एक मिनट के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी पोस्तो का पेस्ट। पोस्तो पेस्ट डालने के बाद इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करें और 1 मिनट के लिए इसे भी फ्राई कर लें। एक चीज का ध्यान रखें कि पोस्तो पेस्ट डालने के बाद इसे हमें बहुत ज्यादा भी फ्राई नहीं करना है। 1 मिनट के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो मैं इसी जार को पानी से खंगाल कर डाल रही हूँ, ताकि बचा हुआ थोड़ा बहुत जो पोस्तो था वो भी वेस्ट ना हो। अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक और साथ में 2-3 कटी हुई हरी मिर्च। तो मिर्च को मैं इस तरीके से लंबे आकार में काट कर डाल रही हूं। तीखा आप अपने हिसाब से डालें। इसे एक बार बहुत ही अच्छे से मिक्स करें। अब हम इसे 6 से 7 मिनट के लिए ढक कर लो फ्लेम पर पका लेंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, यानी कि सब्जी आपको जितनी पतली या गाढ़ी चाहिए उस हिसाब से आप ग्रेवी रखें। बीच में मैंने खोलकर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था। अब 6-7 मिनट के बाद इसे मैं दोबारा से खोल रही हूँ। यहाँ पर हम आलू को चेक करेंगे। अगर आपको आलू थोड़ी सी कच्ची लग रही हो, तो दोबारा से इसे आप 2-3 मिनट के लिए ढककर पका लें।
ग्रेवी जो है ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इतनी सी ग्रेवी रहने दिया है। आलू बिल्कुल परफेक्टली पक चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे, रोटी पराठा राइस किसी के साथ भी, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप इस ऑथेंटिक बंगाली आलू पोस्तो की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी याद से क्लिक करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।